उत्तर प्रदेश के रायबरेली थाना हरचंदपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स सच की तह तक। जी हाँ, जिस प्रकार से हंगामा टाइम्स सच की तह तक जाकर बड़े बड़े अपराधों का पर्दाफाश करता है और सच सामने लेके आता है, तो उसी तरीके से आपको बता दें, ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली का मामला है जहां पर अरचनपुर थाना अंतर्गत एक सड़क दुर्घटना में तेजस नामक युवक की मौत हो गई थी मौके पर ही। तो वहीं बता दें आपको, पीड़ित परिवार ने बड़े आरोप लगाए इस मामले से जुड़े हुए लोगों पर, जहां प्रधान, उसके ऑफिस वर्कर और ऑफिस के ऊपर भी बड़े आरोप लगाए। तो वहीं पर आइए आपको बताते हैं किस तरीके से था पूरा मामला, जहां तक परिवार ने जो साक्ष्य जोड़े और बटोरे वो इस तरीके से कड़ी बाय कड़ी हर चीजों को देखते हुए कि उनका बेटा 12:30 बजे के लगभग डीडी लॉन से निकला था और वहां से निकलने के बाद अपने परिवारिक जनों को दुखी मन से फोन कर बताया था कि वह दुखी है, हताश है लगातार ऑफिस के द्वारा कार्य से। तो वहीं पर बड़े खुलासे पीड़ित परिवार ने किया है, आरोप लगाया है, हत्या की आशंका जताई है और देखिए किस प्रकार से पीड़ित परिवार का कहना। ये डालते हैं अपराध जगत की एक बड़ी खबर पर नगर, हंगामा टाइम्स की तह तक में। उत्तर प्रदेश की राजधानी में रहने वाले एक युवक तेजस शर्मा की 25/7/2020 को जिस तरह से सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई, आज पीड़ित परिवार हमारे साथ है। आइए जानते कि आखिर पूरा मामला क्या था, किस तरह से वो घर से या ऑफिशियल काम से निकला था और किस तरह से दुर्घटना हो गई थी। जैसा कि आपको बता दें, राजधानी के ही पारा DDS लॉन में ऑफिस स्टाफ के साथ वो रुका हुआ था, जहां 12:30 बजे ही वो रायबरेली के लिए निकला, जहां हरचंदपुर में उसकी ट्रैक्टर ट्राली से लड़ने से दुर्घटना हो गई। आपको बताते चले कि ट्रैक्टर ट्राली गलत साइड से आ रहा था, जहां पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। लेकिन पीड़ित परिवार अभी तक जो पूरी कहानी है आखिर क्या है, आइए उनके माता पिता से जानते हैं। अभी भी उस दर्द से वो गुजर रहे हैं, लेकिन अभी तक राहत, जो राहत मिलनी चाहिए, अभी तक उस तरह की राहत उन्हें नहीं मिल पाई है। मैडम, क्या नाम है आपका? पुष्पलता शर्मा जी। अच्छा, ये बताइए क्या हुआ था उस दिन, किस तरह से आप लोगों से बातचीत, पूरा मामला? मेरा बच्चा निकला था DDS लॉन से, लिम्बोर्शी कंपनी में काम करता था, वहाँ से निकला था बरेली के लिए। उस दिन लॉकडाउन भी था, मैंने मना भी किया, नागपंचमी का दिन था। मैंने उससे कहा कि बेटा वापस आ जाओ, मगर वो आया नहीं। उसने कहा मम्मी जाना तो पड़ेगा, बड़े ही बुझे मन से बोला था मेरे से। और फिर परेशान ना होइए, थोड़ा थोड़ा सा बताइए, तभी आपकी मदद कर पाएंगे हम। पूरी जो निकला था उसके बाद क्या चीज़ें हुई, आप ही बताइए। आंटी रोने लगी हैं, आखिर क्या हुआ था, जिस तरह से बातचीत हुई थी, किस तरह से उदास सा काम का जो प्रेशर था, किस तरह से आपके बच्चे ने आपसे बयान किया? जाते समय मुझसे बातचीत किया था, बेटा कहा कि पापा हम जा रहे हैं, तो हम क्यों जा रहे हैं, लॉकडाउन में मर जाओ। तो कहा कि नहीं, वो थे नागपंचमी का दिन था, और उसने कहा कि नहीं पापा, कंपनी वालों ने बुला रहा है, हमको जाना तो पड़ेगा ही। उसने मधुर आवाज में बोली, तो हमने कहा ठीक से जाना। अब जाते समय मुझे 1:30 से 1:45 के बीच में सूचना मिली कि ऐसे हादसा हो गया ट्रैक्टर। अच्छा, हादसे की जो सूचना किन लोगों द्वारा आपको मिली? हमें सूरज शर्मा से मिली, वो कंपनी के ऑनर है। उन्हीं ने सूचना दी हमें कि एक्सीडेंट हो गया है। और कंपनी का कोई कलीग, उनका जो ऑफिशियल साथी, जो ऑफिस में उनके साथ काम करता है, वो मौजूद था एक्सीडेंट दुर्घटना? जी हाँ, आकाश साहब उनके साथ मौजूद थे। अच्छा, जो DDS लॉन में रुकने की बात कही जा रही है, कितने लोग रुके थे? चार लोग थे। कौन कौन लोग थे, क्या जानते हैं आप? जी हाँ जी, कौन कौन? सूरज शर्मा, अभिषेक जी, और ये आकाश शाह और तेजस शर्मा। अच्छा, लगाते ही DDS लॉन में स्टाफ रुकता है इनके ऑफिस का? आते जाते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी, मगर हाँ ये 4 दिन से हम लोगों मुलाकात नहीं हो पाई। जो साथी थे, किस तरह की चोटें उन्हें आई? जैसे आपके बेटे ने तो अपनी जान ही गंवा दी दुर्घटना, लेकिन क्या जो उनके सहयोगी जो बाइक पे उनके साथ उस समय थे, उनको कितनी गंभीर चोटें आई? उनको तो हल्की फुल्की चोटें, वो उसमें तो खड़े दिख रहे हैं, और जो चोटें आई थी वो थोड़ी बहुत है। मेरे बेटे की जिस तरह छोटे आई, उस तरह आकाश साहब को बिल्कुल नहीं आई। अच्छा, किन लोगों की बड़ी भूमिका आपको लगती है इस दुर्घटना में, या जिस तरह से ये मौत हुई उसमें?
ये तो जैसे आप लोगों ने एफआईआर में ट्रैली दर्ज कराया है, कई नाम आए, कंपनी के काम से वो निकला था, किन किन लोगों की बड़ी भूमिका है, किस तरह की राहत अभी तक मिल पाई है? जी मुझे ट्रैक्टर द्वारा तो हुआ ही हुआ है, मगर हम लोग का भी आदर्श हो रहा है कि मतलब कि कंपनी कंपनी हाँ लैम्बोर्गिनी कंपनी का प्रेशर के वास्ते जो है इसे ये घटना घटी है। किस तरह की कार्रवाई आप लोग चाहते हैं अभी? हम लोग चाहे पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई हो पाई? कार्रवाई कर तो अभी तक कुछ नहीं हो पाई है, हम लोग चाहते हैं कि कम से कम जल्दी निर्णय हो। और अच्छा ये बताइए जो ग्राम है, ग्राम का जो प्रधान है, कौन सा वो गांव है, प्रधान का क्या नाम है, इस तरह की जानकारी आप लोगों को मिल पाई है? जी हाँ, गांव का प्रधान है टांडा गांव हंस का पुरवा थाना हरचंदपुर, गांव का रामहित प्रधान पास है। हाँ। रामहित के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई? जी हाँ हो तो गई है। गिरफ्तार किया है ट्रैक्टर जिससे दुर्घटना हुई, इसको जब्त किया? अभी कुछ नहीं हुआ सर, जो है हम लोग प्रशासन से ही कार्रवाई चाहते हैं कि मतलब उसकी खिलाफत का जो जिस तरह से बयान दिए उस तरह से कार्रवाई किया जाए और मुझे न्याय दिया। होटल प्रशासन से आप लोगों ने बात की किसी तरह की, कोई वीडियो क्लिप वगैरह सीसीटीवी फुटेज वगैरह मिली? एक दिन गए थे तो 12:30 वाले दिखाया कि 12:30 निकला था, उस दिन दिखाया कि इतने बजे निकले और निकलते हुए दिखाया दोनों लोगों को, तेजस शर्मा और आकाश साहब का। इसके बाद फिर हम लोग मांगे दूसरे दिन तो कहा कि नहीं अगले दिन हम देंगे, वो नंबर दे दीजिए हम बता देंगे, आप सूचना भेज देंगे, नहीं आज तक नहीं भेज पाए। अच्छा तो ये बताइए मैडम कि जो बच्चा था आपका निकला था ऑफिस से, क्या जानकारी मिली कि ऑफिशियल काम से निकला था, जो उनके साथी थे ऑफिस के जो कलीग थे उन्होंने क्या जानकारी दी, किस काम से वो निकला था, ऑफिशियल काम से या किसी से मिलने, किस तरह के काम से? हमसे जो बातचीत हुई, मेरे बेटे ने जो बताया वो बोला कि रायबरेली में किसी कंपनी से मिलने जा रहे हैं, राइस मिलते हैं जी, मीटिंग हाँ उनसे बात करनी है, एक घंटे में बात करके मैं आ जाऊंगा। ठीक है। और आकाश जी, जी आकाश साहब भी उन्हीं के साथ थे, उन्हीं के साथ थे, मतलब कहीं ना कहीं ऑफिस की मीटिंग की वजह से ही वो निकले थे, काम का ही प्रेशर था, तो अभी तक कोई तरह का न्याय नहीं मिल पाया। ठीक है, तो ये था पीड़ित परिवार जिसने बताया कि किस तरह से अभी भी उस दर्द से ये गुजर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो रायबरेली जिले के पुलिस प्रशासन से जो राहत मिलने की बात थी अभी तक राहत नहीं मिल पाई। हंगामा टाइम्स न्यूज की टीम अभी तफ्तीश करेगी और जानेगी कि आखिर सच क्या था, जिस तरह से प्रधान के ट्रैक्टर से दुर्घटना हुई या ऑफिशियल काम से जिस तरह से निकला था, प्रशासन और ऑफिस प्रशासन ने किस तरह का सहयोग पीड़ित परिवार को किया, पुलिस प्रशासन ने किस तरह की कार्रवाई की, पूरी तफ्तीश में हंगामा टाइम्स न्यूज आपको दिखा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली हाईवे पर दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही है, उल्टे दिशा से आ रहे वाहन कितनों के घर के दिए बुझाकर चले जा रहे हैं, न नियम तोड़ने वालों से शासन को मतलब है न प्रशासन को। रायबरेली रोड पर दुर्घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ये मामला एक माह पुराना जरूर है पर दिल झंझोर देने वाला है, जहां एक तेजस 24 वर्षीय लड़के की दुर्घटना में मौके पर ही मौत की कहानी है ये, जहां उल्टी दिशा से आ रहे ट्रैक्टर ने तेजस लखनऊ निवासी को रौंद दिया और परिवार के इकलौते लड़के को मौत के मुंह में ढकेल दिया। ये मामला थाना हरचंदपुर का है, जहां पुलिस इस दुर्घटना की विवेचना कर रही है पर तथ्य जुटा नहीं पा रही है। हंगामा टाइम्स की तफ्तीश में जब टीम रायबरेली पहुंची तो सड़कों पर दुर्घटनाओं का अंबार था, उल्टे दिशा से आ रहे वाहन लोगों को कुचलते हुए बेपरवाह जा रहे थे। यह घटनाएं रायबरेली के शासन प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रही हैं कि आखिर क्यों प्रशासन उल्टी दिशा में आ रहे वाहनों पर शिकंजा नहीं कस रही है। जहां आपको बता दें वहीं जब हंगामा टाइम्स के पत्रकार ने
ग्राम प्रधान रामित को कॉल किया तो प्रधान तुरंत कबूल लिया कि हाँ ट्रैक्टर हमारा ही था। लेकिन आखिर फिर भी पुलिस प्रशासन प्रधान के सामने क्यों लाचार है? सोचने वाली बात है। क्या तेजस शर्मा के पीड़ित पिता माता को क्या रायबरेली पुलिस प्रशासन न्याय दिला पाएगा? हंगामा टाइम्स ब्यूरो। हेलो हेलो, हाँ रामहित जी बोल रहे हैं प्रधान जी? जी प्रधान जी, मैं विक्रम कश्यप बोल रहा हूँ, पत्रकार। जी अरे ये जो आपके ट्रैक्टर से जो दुर्घटना घट गई थी जी, इसी मामले में आपसे मुलाकात करनी थी। तो अभी तो हम हैं नहीं यहाँ पे, रावली में हम। अच्छा रायबरेली में हैं। उत्तर प्रदेश के इस समय हम लोग खड़े हुए रायबरेली के हाईवे पर, जहां आप देख रहे होंगे कि सभी वाहनों का आवागमन है। और इस समय हम लोग आए हुए हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के हंसखेड़ा में, जहां पर एक अज्ञात, जिसे कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा कि अज्ञात ट्रैक्टर ने जिसको टक्कर मारी, जिस लड़के की मृत्यु हो गई, 25-7 को मामला भी दर्ज हुआ थाने में और कोई भी विवेचना सामने नहीं आई। परिवार लगातार गुहार लगा रहा है। तो अब ये रोड हमारा दिखाने का मकसद है कि जिस तरीके से यहाँ तेजी से गाड़ियाँ आ रही हैं, गुजर रही हैं, और जिस प्रकार से यहाँ पर तेजी से रफ्तार वाहन पकड़ लेते हैं, वह थमने का नाम नहीं लेते हैं। तो वहीं पर उल्टी दिशा में चलते हुए जो वाहन है वह भी लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से रायबरेली के हाईवे पर वाहन लोगों को टक्कर मार के निकल जाते हैं और उनको छोड़ जाते हैं मरने के लिए। तो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो तेजस नामक एक लड़का था और वह यहाँ से गुजर रहा था इसी सुनसान सड़क से, जहाँ पर उसको प्रधान के ट्रैक्टर ने टक्कर मारी और वह मौत के मुंह में चला गया। जहाँ पर आप यहाँ देख रहे हैं कि निर्माण कार्य की जो सामग्री यहाँ पर पड़ी हुई है और निर्माण कार्य भी तभी से ठप भी पड़ा हुआ है। जहाँ हम आपको थोड़ा और नीचे ले जाएंगे और दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा था और यह निर्माण कार्य बताया जा रहा है कि प्रधान द्वारा किया जा रहा था, जहाँ पर सड़कों पर गिट्टी और मोरंग के चलते किस प्रकार से हाथ से एक घर के चिराग को बुझा देते हैं और वह मौत का शिकार हो जाता है। तो हम चश्मदीदों से भी बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से यहाँ पर जो यहाँ पर लड़के की मौत हुई एक्सीडेंट के चलते, वह किस तरह से थी। अब यहाँ पर अब भी देख रहे हैं कि लगातार वाहन जो हैं गुजरते जा रहे हैं और यहाँ पर जो ये रायबरेली का हाईवे है, आइए आगे हम आपको चश्मदीदों से बात कराते हैं। इस समय हमारे साथ में प्रमोद, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर उस तेजस नामक लड़के की मदद की और किस प्रकार से उन्होंने वहाँ क्या देखा ये जानते हैं, बताइए। हम लोग रायबरेली से आ रहे थे और अपने गांव मुड़ने के लिए रास्ते में कट पड़ता है, उसी कट पर कट के पास खड़े हुए थे और तभी से उधर से तेजस शर्मा की बाइक आ रही थी और इधर से जो है ट्रैक्टर जा रहा था और दोनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें वो लड़के का नाम तेजस शर्मा, जो कि दोनों वहीं पर गिर गए और दोनों गिरने के बाद एक की हालत, दोनों की हालत काफ़ी गंभीर हो गई। एक तो उठने के लायक ही नहीं था, दूसरा के बेहोश था। तो हमारे साथ का लड़का हिमांशु ने एम्बुलेंस को फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलाया और उसी ने दोनों बच्चों को जो है कि एम्बुलेंस में बैठा के उनको अस्पताल के लिए भेजा। और यहाँ पर जिस ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ, वो ट्रैक्टर यहाँ पर सभी लोगों को मालूम है, वो ट्रैक्टर बगल में प्रधान अपना काम घर बनवा रहे थे, एक छोटा सा मकान बनवा रहे थे, पता नहीं मकान है या दुकान है, उसी को बनवा रहे थे। और उसी में ये घर से यहाँ मकान जो बनवा रहे थे उसमें पानी की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये ट्रैक्टर से अपने घर से ड्रम में पानी भरकर लेकर आते थे, तो वही ट्रैक्टर से पानी भरकर ये ला रहे थे, तभी आमने सामने दोनों में एक्सीडेंट हो गया। और जब एक्सीडेंट हुआ तो ये सीधे ट्रैक्टर को लेकर, सीधे ट्रैक्टर और अपना काम बंद करके अपने लेबर मिस्त्री जो भी थे, तुरंत उन सबको लेकर अपने सीधे घर भाग गए। हुआ क्या था भैया?
देखिए हम भी तो 100 मीटर की दूरी पे थे, मामला ये था यहाँ पे थे, वहाँ पे घटना घटित हो गई। नहीं तो हुआ क्या, आप अपना बताइए। करेक्ट नहीं देख पाए भैया ये चीज़। नहीं नहीं देख पाए नहीं, आप जब देखे तब से क्या हुआ, आप अपना बयान। तब से क्या प्रधान जी भाग गए, एक जान चली गई। तो प्रधान जी खड़े थे वहाँ से भाग गए। प्रधान जी प्रधान का ट्रैक्टर लेबर चला गया। पैसे हैं थोड़ी माने कि किसी की जान चली गई, ये माने रखा। लेबर मतलब एक्सीडेंट हुआ, प्रधान जी आए खुद चला के भाग गए, दुकान बनवा रहा। आप ये बताइए कि जब एक्सीडेंट हुआ तो जब ये लोग बाइक से गिरे तो आप तुरंत पहुंच गए थे घटना स्थल? हाँ तुरंत हम पहुंचे। हम लोग जब आप पहुंच गए तो आपने क्या देखा कि मतलब ये किस कंडीशन में है और दूसरा वाला किस भैया की बड़े भैया क्या हालत ज़्यादा खड़े तो ही नहीं जब से गिरा वो तब से उठा नहीं नहीं हम उठा के हाईवे पर पड़े थे, गाड़ी में दबे थे और पैर टूट चुका था। सास उसकी चल रही थी बच्चे? हाँ हमें कलाई चल रही थी, चल रही थी, चल रही थी। तुरंत एम्बुलेंस फोन किया, आपसे बोला कुछ? वो बोल नहीं, बोल ही नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे भैया तो साथ में। उसके बाद क्या हुआ भैया? उसके बाद हमने फोन किया एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस आई नहीं। आप ये बताइए जो ट्रैक्टर ट्राली वाला था, जो ट्रैक्टर ट्राली वाला तकरीबन नियर मान सो 35-40 मिनट लग गए एम्बुलेंस आने में, इसी में हो गया। हम पूरे यहाँ जितना सब चीज था नहीं, हम खुद ही उठा ले जाते और फिर हमको बच रहा पता नहीं था। हमारे यहाँ में एक सरकारी अस्पताल है वो भी बंद है, तब एम्बुलेंस वाला अभी अपनी दुकान बंद करके आ रहे हैं, दुकान बंद करके आ रहे हैं क्या भैया? मामला ये था कि प्रधान जी को भागना नहीं था। ये मेरा कहने का मतलब जब उसका ट्रैक्टर ट्राली से वो हुआ तो ये लोग कैसे भागे, मतलब तुरंत भैया उठे कंडीशन में रहे, बड़े भैया तो रहे नहीं। तो भाई अब ट्राली लेके भाग जाए चाहे सबको लेके भाग जाए, सही बात। तो भाई चले गए। ये बताइए जब एक्सीडेंट हुआ तो ये जो मेरे बच्चे की बाइक थी वो मेरा ही लड़का था, मेरे बच्चे की जो बाइक थी तो ये बताइए कि ट्रैक्टर में एकदम लड़ के उसके अंदर चली गई थी कि ट्रैक्टर के बाहर? ये ट्रैक्टर में लड़ी उसमें जाके ट्राली में लड़ी। बात ये है जो लेबर काम कर रहा था वो उससे हमने पूछा, बोले पहले ट्रैक्टर में लड़े फिर ट्राली में लड़े। गलती भैया लोगों की नहीं है, वो जहाँ पे बन रहा है। पहली बात तो तुम हाईवे पर गाड़ी मोड़ रहे हो कि वह हाईवे खड़ी करके ट्रैक्टर मोड़ रहे हो, गलत है, रॉन्ग साइड। हमने फोटो भी बकायदा खींचा है, सब कुछ हमारे पास पूरा स्टोर है, भेजा है। और हम बड़े भैया से बताए तुरंत, बड़े भैया हमारे पत्रकार बुलाए, हमने कहा गलत बात ये है कि थोड़ा इनकी गलती हो गई तो इन्होंने पहले पुलिस को नहीं इन्फॉर्म किया, इन्होंने बच्चों की जान बचाने के खातिर इन्होंने सीधे एम्बुलेंस के दिमाग लगा दिया। अरे भैया अगर इनकी जगह पे हम होते नहीं चलता, अगर इनकी जगह पे हम होते तो हम एम्बुलेंस को भी फोन करते, उसके बाद यहाँ पे प्रधान होते तो प्रधान को हम 2-3 हाथ मार भी देते, लेकिन मिले नहीं हमको भैया की जान। बहुत कष्ट हुआ है कुल मिला। मकान प्रधान जी का बन रहा है? हाँ मकान प्रधान जी का। भैया हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, अगर आप साहब लोगों का अगर लगत हुआ तो हम लोग तो कोई मतलब नहीं बात कर रहे हैं। भैया आप बाहरी हमको क्या मिलेगा? हमको बहुत मदद कर रहे हैं, झूठ बोलते तो तुम यहाँ होते ही नहीं। हम मकान बताया गोदाम बंद करके आ रहे हैं, हम फोन करें नमका ऐसा है भाई लोग आए हैं ये ना भैया उसी वजह से आज ये साथ खड़ा है। जितना जो कुछ आप लोग थे वरना इसकी हालत भी कोर्ट की नहीं मैं बात करता हूँ, मैं प्रधान अगर आप गवाही देंगे तो मैं गवाही दूंगा, एक नहीं अगर 50 गवाही कहेंगे तो मैं 50 गवाही दिलाऊंगा, एक गवाही बात नहीं करता, 50 गवाही रोज रोज से गुजरते हैं, 50 गवाही आप लड़ा दिला देंगे। प्रधान जी का आदर मैं कुछ न करता, अगर शाम को यशो साहब ये बयान न करते कि इसलिए मैंने ये मीडिया में किया, यशो साहब ने 50,000 रुपए लिए इसलिए ट्रैक्टर को ट्रैक्टर न बता के अज्ञात वाहन घोषित करने के लिए। अच्छा बताओ यहाँ पे दूसरा ट्रैक्टर मोड़ेंगे तो कोई आएगा नहीं? ये अरे हमने अरे भैया उस दिन लॉकडाउन था, कोई सामान भी नहीं देगा। 1 मिनट भैया, 50,000 किससे लिए? 50,000 रामहित ने यशो साहब को दिया, राम साहब ने 8,000 डाले, ये किसी और ने नहीं मुझे बताया, मुझे पत्रकार ने खुद बताया।
मेरा भी एक दरोगा वर्मा का नाम रामेश्वर वर्मा का नाम का क्या नाम है क्या नाम है अनिल कुमार सिंह। अनिल कुमार सिंह ने पैसा दिया जो था वही नहीं तो पैसा दिए हो तो फिर पकड़े भी जाएंगे। सोच लेना PSC की पूरी फोर्स हम लगा देंगे। ये तो है ही है जो है यह काम मिला चाहिए तरह हम तो PSC जा रहे हैं लेकिन पता नहीं बात करा रहे नंबर दे दो। तो आपने देखा हमने दुर्घटना जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा था और किस प्रकार से दुर्घटना को अंजाम देने के बाद प्रधान का ट्रैक्टर भाग निकला और किसी भी प्रकार से जो दुर्घटनाग्रस्त तेजस था उसकी मदद नहीं की और पीड़ित परिवार ने मुकदमा भी दर्ज कराया थाने में हरिचंदपुर में, लेकिन किसी भी तरीके से जो थाने से है पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये समय हम लोग खड़े हुए हैं रायबरेली के हाईवे पर, जहां आप अभी भी देख रहे होंगे कि किस प्रकार से तेजी से वाहनों का आवागमन हो रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है, किस प्रकार से उल्टे दिशा में आते हुए ट्रक लोगों को रौंद के निकले जा रहे हैं। कई परिवारों की खुशियां जो हैं अंधेरे में ढकेलते हुए निकले जा रहे हैं, उनको किसी भी बात से मतलब नहीं है। तो वहीं पर मौके पर हमने ग्राम प्रधान से बात किया और जाना किस तरह से वह इस मामले के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हम निकल चुके हैं रायबरेली के लिए, हमसे किसी भी प्रकार की आपकी मुलाकात नहीं हो पाएगी, मैं इस मामले को लेकर के पहले से ही परेशान हूं, पुलिस और पत्रकार हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हम किसी भी तरीके से मिल नहीं पाएंगे। तो हम आपको दिखाते रहेंगे हंगामा टाइम्स की सच की तह तक में किस तरह से जो अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, वो चाहे ट्रैक्टर पे बैठा हुआ ड्राइवर हो और वो चाहे किसी भी कोई भी पीड़ित हो, हम पीड़ितों की आवाज़ आपको दिखाते रहेंगे। ये सन्नाटी रोड पर ना जाइए, ये रायबरेली का हाईवे है जो लोगों को रौंदते हुए निकल रहा है, निर्मम हत्याएं कर रहा है। किसी भी प्रकार से पुलिस प्रशासन इन अपराधियों पर शिकंजा कसने का काम नहीं कर रहा है। सहयोगी शिवम के साथ मैं अमित, हंगामा टाइम्स रायबरेली से।